राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 27 दिसंबर को रिज पर आयोजित होने वाली विशाल रैली की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैली के लिए प्रभावी एवं व्यापक प्रबंधन किए जाएं। उन्होंने कहा कि रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित पत्रिका का विमोचन किया जाएगा और विकासात्मक वृत्तचित्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याण योजनाओं का प्रिंट वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को इस योजनाओं की जानकारी मिल सके और वे इनका लाभ उठाने के लिए आगे आए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिमला शहर के प्रमुख स्थानों और सभी जिला मुख्यालयों पर LED स्क्रीन स्थापित की जाए ताकि लोग केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण सुन सकें। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न प्रवेश स्थलों पर स्वागत द्वार स्थापित करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करना है और उन वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। जयराम ठाकुर ने रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश देते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जाए ताकि आम जनता को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से प्रचारित किया जाएगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।